तुम लोग
इसका मतलब है
ये घर तो भी
मैंने फेस्टिवल में पार्टिसिपेट
जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वो हो नहीं पाएगा। ये
जगह सासू काबे से काफी अलग है ना? अरे ये फिर से पानी चला गया। जरूर सिखाऊंगी।
चश्मा पहन कर डालो। Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
कुछ भी हो
ये शहर छोड़ना ही होगा। ये जगह सबसे ज्यादा सुरक्षित है और हमारे पास यहाँ कोल्ड ड्रिंक भी है। पर खाने को कुछ भी नहीं है। हम कोल्ड ड्रिंक से ही अपना पेट भर लेंगे। क्या बेकार बात कह रहे हैं आप? हमें पता चल गया है कि आवाज पर रिएक्ट करते हैं और अगर हम थोड़ी सी कोशिश करें तो इनके साथ रहने का कोई ना कोई तरीका निकल ही आएगा। कोई रास्ता नहीं निकलेगा इससे। इन्होंने उड़ते हुए हेलीकॉप्टर को भी नहीं छोड़ा है। बस भी करो। शेर मत कीजिए प्लीज। ठीक है बेटा। शिनचैन बेटा, तुम वहाँ जाकर उन अंकल के साथ क्यों नहीं खेलते? मैं तुम्हें लूचा लिबरे सिखाता हूँ। अजीब नाम है लूचा खिचड़ी। लेकिन हम उन्हें दूसरी तरफ कैसे लेकर जाएंगे? तुम्हारी बेकार की चाल में वो नहीं फंसने वाले। मुझे ये करना होगा। हर किस नहीं। लेकिन बिल्कुल नहीं हैरी, आपको अकेले हीरो बनने की क्या जरूरत है? तो तुम एक डरपोक इंसान ही निकले। बताओ ना। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा मत कहो, देखो मैं
अब हमें क्या करना चाहिए?
आगे निकल जाएंगे। कैक्टस को देखकर डर के मारे मेरा पसीना निकल गया था और थोड़ा पसीना उस पर भी गिर गया था, पर वो वही ढेर हो गया। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? भला पसीना भी किसी कैक्टस का क्या बिगाड़ सकता है? तो क्यों ना हम उस पर पानी का इस्तेमाल करके देखें? मैं अपने गाने गाकर उन्हें
वक्त आप लोग जाकर हमला बोल देना। इस काम में बहुत खतरा है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मैं अच्छी चीजों के लिए काम करता हूँ और ये शहर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर जादू कर दिया है। मैं भी साथ चलूंगा। मैं सिंगर मुझे छुपाया चुका है इंडिया। लेकिन आपकी गुटकी में तो दर्द है ना? देखिए, मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने हमेशा कहा कि मेरे घुटने में दर्द है, वो सब झूठ था। हम जानते हैं। हमें मालूम है। हमें भी। आप जानते थे। मैं बहुत डरता था। मैं हमेशा डरता रहा। लेकिन अब मैं डर कर नहीं जीना चाहता हूँ। सच में बिल्कुल भी नहीं। वो इसलिए क्योंकि लोग मुझे कहते हैं एक महान चील, रेनबो का मेन। मेरी बात सुन, हम दोनों साथ मिलकर उन कैक्टस का मुकाबला करेंगे और तुम जानते हो हम जरूर कामयाब होंगे। करने की कोई जरूरत नहीं।
Let's go!
मानना, कभी हार मत मानना। अनिल साहब, मैं उसे भगा कर ले जाऊंगा, चाहे वो चैन बलून उसको खत्म करेगा।